हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आपका वाई फर्स्ट स्टडी लाइव चैनल पे। दोस्तों आज फिर से हम लोग जुड़े हैं सुबह 10:30 पे, जहां आप देख रहे हो एलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ की तैयारी के लिए साइंस के सवाल, है ना। आई एम ऑडिबल या नॉट, मेरी आवाज आ रही है, जरा यस नो बताना दोस्तों। दोस्तों मैं आपको अभी 4 लेक्चर दे पा रहा हूँ या फिर दे रहा हूँ, जिनमें से सुबह 8:30 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर 1:30 पे देखते हैं टॉपिक वाइज, और दोस्तों फिर शाम को 5:30 बजे, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या खास रहने वाली है। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, यस अनु जरा बताना, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि आज की क्लास क्या खास रहने वाली है। लेकिन क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज कुछ होने वाला है खास शाम को 7 बजे। गेस कर सकते हो क्या क्या होगा खास आज शाम को 7 बजे, क्या होगा खास? एनी आइडिया, कुछ गेस कर सकते हो? चलिए नितेश जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मेरी आवाज आ रही है तो यस करना सर, बिल्कुल आपकी आवाज परफेक्ट है, है ना। तो दोस्तों आज शाम को 7 बजे जबरदस्त होना है, लेकिन आज है लेक्चर नंबर 5, इसकी भी ख्याल रखना। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, कितने बजे? तो वो शाम को 7 बजे दोस्तों, 19 अप्रैल शाम को 7 बजे। चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो या तैयारी करते हो एसएससी की, आप जुड़ना मत भूलिएगा। कितने बजे दोस्तों, फिर से बता दें, दिमाग में सेट रख लेना टाइम, शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा कि डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, जरा बताइए सवाल क्या होगा, है ना। चलिए, वीर भगत सिंह सर, अनअकैडमी पे नहीं होगी क्लास, नहीं होती है क्या बेटा? अभी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास नहीं लग रहा है, अभी YT पे है। जैसे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास लेंगे, बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे आपको, गले फाड़ फाड़ के कहेंगे कि अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लास हो रही है, अभी क्लास नहीं हो रही दोस्तों, ठीक है। नमस्कार समीर साहब, चलिए मैगी भी जुड़ते हुए हमारे साथ। तो दोस्तों डक्टलेस ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहक को दोस्तों यह हार्मोन कहा जाता है। आपको याद होगा दोस्तों, दो चीजें हैं, एक हार्मोन है और एक एंजाइम है, और एक एंजाइम है दोस्तों। तो एंजाइम को निकलने के लिए दोस्तों चाहिए डक्ट, यानी नली चाहिए इसे, और ये नलिका विहीन होता है दोस्तों, हार्मोन है ना, क्या होगा, हार्मोन इज करेक्ट, ओके। जैसे आप देख लो इंसुलिन, ये हार्मोन है, लेकिन एंजाइम की बात करें तो पसीना ग्रंथि दोस्तों, जिसे पोर से निकलता है, उसे क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, नली चाहिए, याद रखिएगा, हार्मोन इज करेक्ट, हार्मोन इज करेक्ट। हार्मोन की खूबी, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, जैसे एज पर नीड, जैसे ही हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है ये निकलना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या होगा, हार्मोन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हार्मोन एक ऐसा रासायनिक संदेश वाहक है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है, वो वाहिनी रहित मतलब डक्टलेस है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। हार्मोन के कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डू इट फास्ट। कहां बफर हो रहा है मैगी? आपका बफर हो रहा है, हमारा बफर ना हो रहा है, है ना, वो आपका बफर है। देखो समीर ने जवाब दे दिया, नो बफर। तो दोस्तों विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के कार्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रजनन और यौन विभेदन, आंतरिक वातावरण का रखरखाव, शरीर के तापमान को बनाए रखना, या डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? गुड मॉर्निंग हरिंदर साहब, सुबह नहीं आए थे क्लास, विपुल क्या होगा बच्चे बताओ। दोस्तों शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखना ये गलत है, ये कौन काम करता है? आपको याद होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यानी हाइपोथैलेमस का काम है दोस्तों। किसका काम है ये? अच्छा आए थे, कमेंट नहीं दिखा आपका, हाइपोथैलेमस याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना।
प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन फोर्थ लॉ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए सर, आज आपने देखा नहीं मुझे। अच्छा लेकिन कमेंट्स आपके नहीं आ रहे साहब, इसीलिए चलिए बताइए। तो दोस्तों आसान सवाल है, न्यूटन थर्ड लॉ। अब हमें समझ नहीं आता कि ये जो चौथा नियम बनाया है, क्या सेटर ने दिया था क्या न्यूटन का चौथा नियम? बताओ सेटर कैसा देता है? चलो फर्स्ट लॉ तो पता है ना, कि भाई इससे हमें बल की परिभाषा यानी फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में पता चलता है। दूसरा बल का व्यंजक है, तीसरा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, चौथा हमें समझ नहीं आता कि कौन देता है, सेटर दिया था क्या? अब सेटर से पूछना पड़ेगा कि न्यूटन का चौथा नियम क्या है। इतना तो बच्चों को भी पता है कि 1, 2, 3 नियम है ना। चलो खैर क्या ही कहने दोस्तों, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के लिए सूत्र क्या है? F बराबर m माइनस ए, F इज इक्वल टू ए ऑब्लिक एम, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, या F इज इक्वल टू ए प्लस एम, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए विपुल सर, भूख प्यास को कौन नियंत्रण करता है? समीर भूख प्यास प्यार फीलिंग्स दर्द टेम्परेचर सब हाइपोथैलेमस है। आजकल भूख प्यास की बात कर रहे हो समीर, कुछ चल रहा है क्या जीवन में? बता मुझे, मुझे भी बता। देखो मैं आपका टीचर हूं, दोस्त हूं, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा। अगर कुछ चल रहा है तो जीवन में चल रहा है क्या जरा बताना, बिल्कुल बता सकते हो मेरे से। F बराबर ma यानी बल का व्यंजक दोस्तों न्यूटन के दूसरे गति से हम प्राप्त करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल है ना। आ जाओ नेक्स्ट, मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा शरीर और सेरेब्रम के बीच रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है? हाइपोथैलेमस, मेडुला, थैलेमस, सेरिबेलम, क्वेश्चन नंबर 5। चलो बताओ क्या होगा, होगा तो भी मत भूलना। प्रशांत क्यों ऐसा? हाँ बिल्कुल बता देना। देखो प्रशांत क्यों कह रहा मत बोलना। अच्छा प्रशांत क्यों ऐसा बोला कि आपने नहीं बोलना? अरे मैं किसी को थोड़े बताऊंगा, मैं तो कॉपरेट करूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपकी जो विश है वो पूरा हो। मैं तो आपका समर्थक हूं कि अगर वैसा ऐसा वैसा कुछ होता है जीवन में, लाइफ में ऊंच नीच, तो आपके आपके सिलेक्शन के लिए मैं बिल्कुल जोर लगा दूंगा, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन हो और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरे हो। तो दोस्तों ये थैलेमस है बच्चे, क्या ये थैलेमस है, और हाइपोथैलेमस का काम है ठंडा, गर्मी, दर्द, फीलिंग्स। चिंता ना करो, मैं ब्रेन जो चैप्टर है ना, ब्रेन जो चैप्टर है ये 1:30 पीएम पे पढ़ा दूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके आई बात समझ में? तो मैं 1:30 पीएम पे ब्रेन पढ़ा दूंगा ताकि जो भी क्वेश्चन होगा निकल कर आएगा आपके दिमाग में, सेट हो जाएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल। चलो आ जाओ नेक्स्ट, मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग दोस्तों, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, या बोथ 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बताओ दोस्तों आसान सवाल है, देखो ना, फोर ब्रेन मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क यही तो है थिंकिंग पार्ट, डेवलप पार्ट है ना। अरे बस समझ में, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट दोस्तों। आधुनिक आवर्त सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैड बीन गिवन बाय मोसले, मेंडेलिव, लोथर मेयर, या लेबोसियर, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, मोसले है, कौन है दोस्तों? मोसले,
मेंडलिव नहीं लगाना, मोसले लगाना, गलती हो जाएगा मेंडलिव, है ना, क्या होगा, मोसले होगा, ठीक है, मेंडलिव मत लगाइयो, गलती हो जाएगा मेंडलिव। आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व बताइए दोस्तों, HG, पारा, हीलियम, टंगस्टन, CGM, क्वेश्चन नंबर 8। चलो तो दोस्तों आवर्त सारणी में सबसे कम गलनांक बिंदु वाला तत्व की बात करें, कैसा लगाओगे CGM बताओ हमें। टंगस्टन कैसे लगा रहे हो, है ना, बताओ क्या होगा, आ रही बात समझ में। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की अधिकतम सामग्री होती है, कसावा, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, क्वेश्चन नंबर 9। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स। तो दोस्तों आपको याद होगा कि करीब करीब 45 से 46% सोयाबीन में प्रोटीन होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सोयाबीन में देखने को मिलेगा। सोयाबीन कहां है ना, सोयाबीन कहां, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, जिसे हम सोया प्रदेश बोलते हैं। हाँ रत्नाकर साहब, हीलियम गैस है इसलिए तो होगा, हीलियम था ऑप्शन में ना, तो सबसे ज्यादा दोस्तों मध्य प्रदेश में इसे सोया प्रदेश बोलते हैं, 45 से 46% प्रोटीन देखने को मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, सोयाबीन होगा, याद रखियो। आ जाइए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, या मेसोफिल सेल्स है, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, वाटर है, जल है, घुलनशील है, जल में घुली होती है ना, तो क्या होगा, H2O। अच्छा जरा मुझे बताइएगा, यहां से क्वेश्चन और निकलेगा कि कोई भी नदी पॉल्यूटेड है या कम पॉल्यूटेड है, इसकी जानकारी हम कैसे लगाते हैं, इसकी जानकारी हम कैसे पता करते हैं कि कोई भी नदी कम प्रदूषित है या ज्यादा प्रदूषित है, कैसे, इसलिए पता लगाते हैं क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की प्रतिशत या मात्रा के आधार पर। है ना, जिसे हम दोस्तों BOD बोलते हैं, जिसे BOD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BOD, है ना, हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह दें, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी के अणु के विभाजन के बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस में वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करता है, याद करिएगा, रिलीज करता है। नेक्स्ट की बात करें, बाघ का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, क्वेश्चन नंबर 11। सर कल से इंटरनेट ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, क्यों, क्या हो गया, इंटरनेट ना चल रहा है क्या, जरा बताओ मुझे, बताओ। तो दोस्तों पैंथरा टिग्रिस ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखेगा, ये देख सकते हो कि पैंथरा लियो लायन है दोस्तों, शेर है, पैंथरा पार्डस लैपर्ड है दोस्तों, और बाइसन बोनस ये दोस्तों यूरोपियन बाइसन है, ये आप देख सकते हो यूरोपियन बाइसन। तो कई बार बॉटनिकल नेम, कई बार साइंटिफिक नेम आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। आपको याद होगा कि RRB ग्रुप डी का जब पेपर हुआ था
आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, लेकिन ग्रुप डी में ज्यादा ये भर भर के पूछा था ग्रुप डी में, याद आ रहा है? ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन था, है ना? निशा जी क्यों टेंशन लेना, बताओ क्यों टेंशन लेना? टेंशन से किसी का भला हुआ आप बताइए? जब भी आपको टेंशन लगता है ना, जब भी आपको लगता है, आराम से ठंडा पानी रखिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए और ये फील करिए कि टेंशन नहीं लेना, सब कुछ अच्छा होगा, नहीं पढ़ेंगे तब टेंशन होगा, पढ़ने के बाद क्यों टेंशन लेना, है ना? आ जाओ नेक्स्ट। भालू का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बियर? भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस लूपस, कैनिस वल्पस, कैमिलस ड्रोमेडेरियस, ओर्सिड कार्निबोरा। क्वेश्चन नंबर 12, है ना? बताओ जल्दी बताओ, भालू का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओर्सिड कार्निबोरा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ओर्सिड कार्निबोरा। चार ऑप्शन, कैनिस ल्यूपस, भेड़िया, मूवी आई थी भेड़िया, वो वाली भेड़िया नहीं, कैनिस उल्पस वल्पिज या लोमड़ी, और कैमलस ड्रोमेडरीज ऊंट। अरे कैमल से कैमलस है, है ना? ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक की खोज किसने की दोस्तों? द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉम्सन। क्वेश्चन नंबर 13, चलो बताओ दोस्तों, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की है। किसने की बच्चों? रदरफोर्ड ने की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए, इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अरे तबियत खराब है, कुछ करना ही क्यों है, पढ़ना ही तो है, आराम से लेटे रहो, पढ़ कहीं जाना आना भी नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, है ना? तो दोस्तों चैडविक कहा भी तो था, ईंट पर नाच, कई बार तो कहते हैं नाच, लेकिन आज तक कोई नाचता नहीं है, है ना? तो इलेक्ट्रॉन थॉम्सन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, गर्मी बहुत है नितेश, हर जगह गर्मी है मेरे भाई, आप यकीन नहीं करोगे, नोएडा की हालत बहुत खराब है, बहुत गर्मी है, और शहरों में आपको पता है ये कंक्रीट के जंगल होते हैं, और कल रात में पावर इतने कट रहा था, इन्वर्टर तक जवाब दे रहा था, सोचो ये हाल है, है ना? तो दोस्तों कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है? दोस्तों पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, है ना, और रेनिन पचाता है मिल्क प्रोडक्ट को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पाचन क्रिया को तेज करता है, पाचन क्रिया को तेज करता है, याद रखिएगा, है ना? हर भाई साहब, हर जगह गर्मी है मेरे भाई, अभी सोचो कि अभी अप्रैल का महीना है, अभी मई बाकी है, अभी तो केवल झांकी है गर्मी की, अभी तो केवल झांकी है, अभी तो मई जून बाकी है, अरे ये तो शायर हो गया, है ना? अभी तो केवल झांकी है, मई और जून बाकी है, याद रखियो, बहुत गर्मी। देखो दोस्तों, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द ऑप्शंस इज, विकल्पों में से कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? वुड, चारकोल, एंथ्रेसाइट, काजल या ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, दोस्तों ये कहां? एंथ्रेसाइट है भाई, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कैसे, कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होगा तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे खराब कोयला कौन सा है? पीट है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रेसाइट है, है ना? ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट,
आकाश या महासागर के नीले रंग को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? कलरीमीटर, साइनोमीटर, बाथमीटर, बाथमेट्री। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए चलो बताओ क्या होगा, बताओ दोस्तों। आकाश या महासागर के नीले रंग को मापने वाले उपकरण को साइनोमीटर कहा जाता है। देख लो कौन लगाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋषभ का जवाब है बी। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? प्रदुमन पीडीएफ मिल जाएगा आपको वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे, जो टेलीग्राम है ना उसमें मिल जाएगा आपको, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अब ये देखो तीन ऑप्शन क्या कहता है। कलरीमीटर क्या है? तो कलरीमीटर एक प्रकाश संवेदन उपकरण है जिसका उपयोग तरल नमूने से गुजरने वाले प्रकाश के संप्रेषण और अवशोषण को मापते हैं। ये कलरीमीटर है। जबकि दोस्तों बाथमीटरी क्या है? कि पानी के नीचे की गहराई का अध्ययन है बाथमीटरी, ठीक है। और बाथमीटर दोस्तों पानी की गहराई को मापने के लिए एक उपकरण है, बाथमीटर, याद रखिएगा। तो दोनों अलग है, बाथमीटरी और बाथमीटर दोनों अलग है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। कह सकते हैं कि बाथमीटर को हम फैदोमीटर कह सकते हैं, फैदोमीटर, है ना, फैदोमीटर, क्योंकि समुद्र गहराई मापते हैं ना फैदोमीटर में। अरे साहब अभी चले जाएंगे घूमने के लिए तो कौन पढ़ाएगा आपको, बताओ। अभी पेपर एमटीएस का है ना, आ जाओ नेक्स्ट चलेंगे। आपका एग्जाम एग्जाम हो, आप सिलेक्शन ले लो, आप सिलेक्शन ले लो फिर चलेंगे। किस श्रेणी में नेपथेंस खासियाना या इंडियन पीचर प्लांट रखा जा सकता है? सप्रोफाइटा, जेरोफाइटा, हेलोफाइटा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आज 1:30 PM पे मेटलॉइड है, उपधातु है। क्या पढ़ने वाले हम लोग? मेटलॉइड उपधातु, ठीक है, याद रखिएगा। क्या पढ़ने वाले हैं 1:30 PM पे? मेटलॉइड उपधातु, ठीक है। तो दोस्तों नन ऑफ दीज देख लो, जो आप लगा रहे हो ना नन ऑफ दीज होगा। कैसे? ये क्या होता है? सर ये आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी वाले निवासों में पाए जाते हैं, वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। इसीलिए नुकसान की भरपाई करने के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कीटों का उपयोग करते हैं। कई बार सवाल पूछा गया कि भाई जो कीट भक्षी पौधे हैं वो कीट को क्यों खाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये वहां पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो कीट को खा के ना ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। जीव विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी जीवित जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित है? एक्टिनोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, एरोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखो भाई, ताजमहल देखने के लिए हरेंद्र बुला रहा है। हरेंद्र मैं आ जाऊं आगरा, बताओ। तो दोस्तों जीव विज्ञान के निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी जीवित जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित है? एक्टिनोबायोलॉजी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। सही है साहब, बड़े दिन के बाद आते हैं, क्या बात है, आजकल क्या चल रहा है जीवन में। एक्टिनोबायोलॉजी देख लो आगे। किस समूह से संबंधित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा दोस्तों? टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों किस समूह से संबंधित समुद्री जल के लिए कम से कम अनुकूलन दिखाएगा? तो ये एंजियोस्पर्म है दोस्तों। कौन है? एंजियोस्पर्म, है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म दोस्तों
स्थलीय होते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, इस प्रकार वे समुद्री आवास के लिए कम अनुकूलन दिखाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एक वंशानुगत रोग है दोस्तों? थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 21। बता भाई क्या होगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 21। क्या निकल कर आएगा सर? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, सब के सब एक हेरिडिटरी डिजीज है, अनुवांशिक रोग है दोस्तों, है ना? ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 21। चलो बताओ, 22 ना, चलो ईद हमें लगता है संडे को होगा, सैटरडे संडे को होगा ईद, है ना? तो दोस्तों मानव नेत्र के जीवित ऊतकों में से कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं होती, इसीलिए डोनेट पार्ट हमारा कॉर्निया होता है, इसीलिए डोनेट पार्ट जो है दोस्तों वो कॉर्निया है, है ना? एस्कैलरा दोस्तों ये व्हाइट पार्ट है, एस्कैलरा व्हाइट पार्ट है दोस्तों, आयरिस इस पे ये कलर डिसाइड करता है कि किसकी आंखें भूरी है, काली है, नीली है, पीली है, लाल है, है ना, बैंगनी है, पीली है, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों ये देखते तो ये कॉर्निया है ना, ये जो डोनेट करते हैं हम लोग। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग एल्बुमिन का उत्पादन करता है? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अच्छा, क्या बात है, सही है साहब, बहुत बढ़िया, चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों कौन लीवर एल्बुमिन का उत्पादन करता है? जबकि बोन मैरो की बात करें दोस्तों तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब कहां बनेगा? सब बोन मैरो में बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। और स्प्लीन में जाकर आरबीसी दफन हो जाता है, तो ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी को, है ना, स्प्लीन को, जो ब्लड बैंक है हमारा है। नेक्स्ट, सीरम एल्बुमिन यकृत द्वारा निर्मित होता है, लीवर द्वारा निर्मित होता है, और प्लाज्मा में विघटित होता है, ये भी याद रखिएगा, प्लाज्मा में विघटित होता है, ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, मानव पैपिलोमा वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? प्रोस्टेट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लसिका फाइलेरिया, ल्यूकेमिया, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अरिसा, एक्चुअली क्या है ना कि झारखंड में टीचर की वैकेंसी आई है, और इसीलिए वो प्रिपरेशन चल रहा है साइंस का, है ना, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूरी है। थैंक यू सो मच सैयद साहब, है ना, सैयद थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये क्या है, ये सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो मानव पैपिलोमा वायरस किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? सर्वाइकल कैंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। मानव पैपिलोमा वायरस दोस्तों एचपीवी का एक वायरल संक्रमण है, जो त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच गुजरता है, मतलब स्किन से स्किन फैलता है ये, है ना, ठीक है, स्प्रेड होने वाली बीमारी है, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, ऊंचाइयों का तीव्र भय के डर को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स? यानी ऊंचाइयों से डर लगता है, उस डर को क्या कहा जाता है? एटीचीफोबिया, एक्मोफोबिया, एक्रोफोबिया, नन ऑफ दिज, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, एक मूवी आई थी आपको याद होगा बाजीगर, देखा है आपने, एक मूवी आई थी बाजीगर दोस्तों, जो शाहरुख खान की मूवी थी, जो शिल्पा शेट्टी भी है, जिसमें शिल्पा शेट्टी को ऊंचाई से डर लगता है और वो ऊंचाई से ले जाकर क्या करता है, गिरा देता है ना,
तो वो क्या है, एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं, है ना। मैम का कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है तरुण, जूलॉजी है ना, जूलॉजी, ये देख सकते हो। तो एक्रोफोबिया एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऊंचाई से अत्यधिक डर लगता है, ये आप देख सकते हो। देखो देख रहे हो, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स, है ना। हाइड्रोफोबिया वाटर से, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक और ऑप्शन आपके, एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया क्या है, चाकू सुई पेंसिल जैसी तेज वस्तुओं का डर, एक्मोफोबिया कहते हैं। और एटिचीफोबिया, ये भी ऑप्शन में था, तो विफलता का डर, मतलब जो हम एग्जाम हॉल में देखते हो, सर हमारा ना हो पाएगा, हम बहुत डरते हैं किसी भी चीज को लेके, डर जो होता है ना, यानी विफलता का डर, ये क्या कहा जाता है, एटिचोफोबिया। तो कई सारे बच्चों में ये एटिचोफोबिया देखने को मिलता है। तो आज से इसे याद रख लीजिएगा कि कोई बच्चा अगर डरेगा, फियर होगा, विफलता का डर होगा, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता की विशेषता, तो उसे कहना एटिचोफोबिया हो गया तुम्हें। क्या कहोगे, एटिचोफोबिया, है ना, ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा, है ना। चलिए तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 7 बजे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है दोस्तों, जुड़िएगा जरूर शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे, जो मैं आपको दिखा चुका हूं कई बार, है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपके लिए खुशखबरी है, तो आप जुड़िएगा शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे, धमाल मचेगा। तो मिलते हैं फिर 1:30 PM पे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।